कांग्रेस आज भी उसी पुराने ढरे, उसी पुरानी मानसिकता पर चल रही है। निर्वाचन प्रस्तुत रणभूमि, दलीय कर्मी को विजय मंत्र दे प्रधानमंत्री मोदी। भोपाल ले पीएम मोदी संडुआसी आक्रमण रे घाइला कांग्रेस। जयपुर रे परिवर्तन संकल्प समावेश रे दलीय कर्मी को आह्वान। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान रे कांग्रेस सह सीधा फाइट। स्वतंत्र संसद अधिवेशन रे आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी प्रधानमंत्री मोदी। भोपाल और जयपुर रे दलीय कर्मी मनोबल बढ़ाइले प्रधानमंत्री मोदी। जनसंघर सह प्रतिष्ठाता पंडित दीनदयाल उपाध्याय पवित्र जयंती अवसर में रोड शो पर कर्मी को विजय गुरुमंत्र प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस दुर्नीति चिठा खोलिबा सह आगामी मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा निर्वाचन में कांग्रेस को जवाब देवाई जनता को देखते आह्वान। समावेश कर्मी मनोबल बढ़ावा सह कर्मी साहस और समर्पण देश को नुआ सोपान रे पहुंचाइबो बोली कहिसेंति प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस के नेताओं के लिए गरीब की बस्ती, पिकनिक मनाने का, वीडियो शूटिंग कराने का लोकेशन बन गई है। कांग्रेस के लिए गरीब किसान का खेत फोटो सेशन का मैदान बन गया है। कांग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिश में रखे रखे खत्म हो जाता है। अब कांग्रेस में ना देखने का सामर्थ्य बचा है, ना देश हित को समझने का। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशकों दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। मोदी है तो हर गारंटी पूरी होने की गारंटी है। कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे, अब कांग्रेस एक ऐसी कंपनी बन गई है। नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है, और ये ठेका किसके पास है जानते हैं? कांग्रेस का ठेका अब कुछ अर्बन नक्सलियों के पास है। कांग्रेस और उसके नए नए गमंडिया गठबंधन ने मजबूरी में इस बिल का समर्थन बहुत खट्टे मन से किया है, बहुत बेमन से किया है। ये खट्टापन उनके बहानों में दिखाई देता है। बाजी सारी निर्वाचन बिगुल, आगामी निर्वाचन रे विजय पाई जांबोरी ग्राउंड रे 10 लाख रु अधिक कर्मी को गुरुमंत्र देइछंति प्रधानमंत्री। भोपाल परे राजस्थान रो जयपुर रे आयोजित परिवर्तन संकल्प समावेश रे राज्य रे नुआ सूर्योदय पाई जनता को आशीर्वाद लोड़ी प्रधानमंत्री। कांग्रेस शासन राज्य को मुक्त करने को संसदर स्वतंत्र अधिवेशन में पूर्व दल आभिमुख्य स्पष्ट कर सारी पीएम मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।